नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं मानसी, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। दादूपुर नलवी नहर को बंद करने के विरोध में 44वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। यमुनानगर में लुटेरी दुल्हन का खुला राज। अग्रसेन चौक से फवारा चौक तक 6 लेन रोड बनाने का काम जारी। नेशनल पब्लिक स्कूल में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। अग्रवाल वैश्य समाज वुमेन सेल की ओर से करवा चौथ पर हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन। अब गतिविधियां विस्तार से। दादूपुर नलवी नहर को बंद किए जाने के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर किसानों ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। यमुनानगर में दादूपुर नलवी नहर को बंद करने के निर्णय के बाद विरोध में 44 दिन से धरने पर बैठे किसानों के साथ विपक्षी पार्टी का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। पहले कांग्रेस और अब इनेलो पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है और आज धरना स्थल पर इनेलो पार्टी के अभय चौटाला व अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, सांसद दुष्यंत चौटाला व सरकार में मंत्री रहे विधायकों के साथ पहुंचे और कहा कि हम मिलकर किसानों की इस लड़ाई को लड़ेंगे और हक को लेकर रहेंगे। दादूपुर नलवी नहर के ऊपर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि आपकी नहर बने और आपको पानी मिले, केवल आपके बीच में आकर के कैसे अपने राजनीतिक लाभ लिए जा सके उसकी बात करते हैं। यमुनानगर में लुटेरी दुल्हन का खुला राज। दूसरे पति को धोखा देकर राजस्थान से भाग आई युवती। यमुनानगर के गांधीनगर में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है, जिसमें ना सिर्फ झूठ बोलकर शादी की बल्कि शादीशुदा होते हुए भी तलाक बताकर 2 लाख में सौदा कर राजस्थान में जाकर शादी कर ली। जहां दूसरी शादी की वहां से भी लाखों के गहने और कैश लेकर अपने घर यमुनानगर वापिस आ गई। वहीं राजस्थान में जहाँ शादी हुई थी उस परिवार ने यमुनानगर पहुंचकर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई और इस मामले का खुलासा किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या बोलते हैं? 2 लाख का सौदा। बोले भाई 2 लाख रुपया लगेगा, तो बोले 1.5 लाख रुपया दे देंगे। तो बोले नहीं, 1.5 नहीं, पूरा 2 ही लगेगा। तो जी टेम्पर तो रिश्ता करे जाना, तो 1.5 लाख रुपया मुद्दा कर ली।
फिर मतलब ना भी लड़की ने ना जी की भगा की और भी जब फोन करती रही लड़की फोन करती थी मेरे भाई ने ये बोल दिया कि मेरे कोई शादी है तो इन आपको छोड़ के जाओ जी बोले छोड़ के जाओ तो मैं ना जहाँ आपके छोड़ दिया बोले हमारा छोड़ जाओ तो हमारे कहा मेरे भाई छोड़ के गया तो मैं तो इन्होंने शादी शादी घर में पूरा कपड़ा सारा सब कुछ मेरे भाई छोड़ गए राजी राजी ये आई की माँ कितना तो मैं बोली भैया घर में क्यों कौन छोड़ के आया बोले भी कि मम्मी ये बोली मेरा आदमी शराब पी रहा है उसकी माँ ने उसको कहीं आगे बेचने खा गया उसने बेची आगे राजस्थान में मनोज क्या नाम है उसका मनोज कुमार पति यहाँ पे राजस्थान में बेचा है तो अब वो लड़की उसकी खुद की लड़की है और बीच में किसी आदमी का नाम आ रहा है सवेरे हमने उनको टाइम देंगे अभी सवेरे उस आदमी को बुला के जाएंगे जो बीच में है और तस्दीक करेंगे कि अब वास्तविक मैटर क्या है अभी तक की जानकारी में ये है कि उसने अपनी लड़की की पहले शादी हुई है डाइवोर्स ही है वो और ये माउंटेन कार्ड से है वैसे भी शादियों का ही अलाउड है तो उसमें उसने अपनी लड़की की शादी दोबारा से की है कोर्ट मैरिज की है लेकिन अब ये कुछ हमारे पास ये सामाजिक कार्यकर्ता है कि इन्होंने बीच खरीद फरोख का मामला इसमें सामने आ रहा है कि कोई बीच में आदमी है जिसने इसको पैसे लेके खरीद फरोख कराई है तो उसको हम लोग सवेरे बुला के जैसे भी है अभी हम कोशिश कर रहे हैं अगर वो रात को मिल जाता है तो जो भी मामला सामने आएगा उसको सब कार्रवाई करें बिना डिवोर्स के नहीं ऐसा था उसने शादी की है वहाँ पे शादी के बाद कोई उसके हस्बैंड के फ़ोन पर किसी के फ़ोन आते हैं तो वो जो मामला सामने है कि उसको क्या कि आप किसी के फ़ोन आते हैं तो इसलिए वो वहाँ से आई अग्रसेन चौक से फवारा चौक तक 6 लेन रोड बनाने का काम जारी यमुनानगर हरियाणा सरकार द्वारा अग्रसेन चौक जगाधरी से लेकर फवारा चौक तक 6 लेन बनाने के आदेशानुसार काम प्रगति पर है जिले में यातायात की सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने पर ध्यान देते हुए सरकार ने 6 लेन बनाने का आदेश दिया था जिससे यमुनानगर के यातायात परिवहन में सुधार होगा पहले सड़क छोटी होने के कारण कई सड़क हादसों का सामना करना पड़ता था जबकि सड़क चौड़ीकरण करने के बाद हादसों से राहत मिलेगी और यमुनानगर के यातायात परिवहन में सुधार होगा नेशनल पब्लिक स्कूल में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ आयोजन हरियाणा और पंजाब की 60 टीमों ने लिया भाग नेशनल पब्लिक स्कूल में CBSE क्लस्टर 17 वॉलीबॉल चैंपियनशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा और पंजाब से आई 60 टीमों ने भाग लिया प्रतियोगिता में लगभग 800 प्रतिभागी मौजूद रहे जिसमें 500 लड़के व 300 लड़कियां रही इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और यह लगभग पिछले 16 सालों से होता आ रहा है उन्होंने सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को उजागर करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से लड़कियों का मनोबल बढ़ता है Volleyball championship. 64 teams are participating from Punjab and Haryana. अब तक हमारे 4 matches हो चुके हैं completed 4 matches in which under 19 boys team DAV public school winning and under 17 Saha Satnam Ji boys school Sirsa and under 17 girls Guru Gobind Singh public school Muktsar and under 19 boys Hariom Shivam Public School Radho. These are the winning teams. हमारे पास 64 teams ने participate किया है. Girls and boys दोनों participate कर रहे हैं. Under 19 boys भी हैं, girls भी हैं. Under 17 boys and girls both. ये आज या 4th October से start हुआ, 6 October तक चलेगा. Closing ceremony हमारी 6 October. ये sports का बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों ही उसमें योगदान रहता है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट ओके हार्ड तो सभी टीम से मेरी तो बेस्ट विशेस हैं उनके लिए कि वो अच्छे से अच्छा अपना योगदान गेम्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें कि जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योगदान के साथ साथ बच्चों का खेल में भी हमारे योगदान होना चाहिए तो काफ़ी सारी टीम्स हमारे पास अलग अलग हरियाणा से पंजाब से डिफरेंट स्कूल से आई हैं जो कि गर्ल्स टीम भी पार्टिसिपेट कर रही हैं अंडर 19 और अंडर 17 में इनमें से अंडर 17 में आज हमारी विनिंग टीम रही है गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल मुक्सर और मेरा यही सभी से वो होगा कि स्टडी के साथ साथ बच्चों को खेल की ओर भी प्रोत्साहित करें चाहे वो गर्ल्स हैं या अदरवाइज बॉयज़ और गर्ल्स बोथ हैं सभी को खेल में भी अपना पूरा पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए
अग्रवाल वैश्य समाज वुमन सेल की ओर से करवा चौथ पर हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन। डांडिया, रैंप और फैशन शो में महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। अग्रवाल वैश्य समाज यमुनानगर और जगाधरी की वुमन सेल ने सामूहिक रूप से करवा चौथ के अवसर पर डांडिया, भारतीय नृत्य, रैंप शो और फैशन शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ग आयु की महिलाओं और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर गुजरात के डांडिया नृत्य की महत्वता को बताया। इस त्योहार को जिले की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। मेरा नाम शिलेर है। जैसे डांडिया बेसिकली माता रानी को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है, ये हमारी संस्कृति है भारत की, तो हमने उसको भी मनाया है। और दो तीन दिन बाद का प्रोग्राम भी आएगा जो पति की लंबी आयु के लिए, तो हमने उस समय हम बिजी हो जाते हैं घर में, तो वो भी आज हमने दोनों ही प्रोग्राम कर लिए। दोनों त्योहारों को हमने हर्षोल्लास से मनाया। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।